हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मेरा नाम हिमांशु सिंह और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेक्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अपना है स्केलर ट्रिपलेट। ठीक है, तो इसको स्केलर ट्रिपलेट प्रोडक्ट भी कहते हैं, स्केलर ट्रिपलेट ट्रिपलेट प्रोडक्ट, इसको स्केलर ट्रिपलेट प्रोडक्ट कहते हैं और हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे पूरी तरीके से कि स्केलर ट्रिपलेट प्रोडक्ट एक्चुअली में क्या होता है। ठीक है, तो पहली बात तो ये समझिए, स्केलर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ये प्रोडक्ट कराऊंगा तो जो रिजल्टेंट वैल्यू मुझे मिलेगी वो एक स्केलर वैल्यू होगी। पहली बात तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, प्रोडक्ट हो रहा है, ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट मतलब हुआ यहाँ पे थ्री वेक्टर्स से एज्यूम करेंगे। तो हम पहले एज्यूम कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, सपोज कर लिया हमारे पास कि ए बी एंड सी आर थ्री वेक्टर्स। अब कोई भी थ्री वेक्टर्स हमारे पास ये हो सकते हैं। ठीक है, तो जो मेरे पास ए बी सी है, ठीक है, अब इसको स्केलर ट्रिपलेट में हम कैसे लिख सकते हैं ये तुम्हें सोचना है। जैसे हमने तीन है, अगर हम सीधे डॉट करा दें, सपोज कर लो हम डॉट करा देते हैं, ए डॉट बी और डॉट सी करा देते हैं, तो क्या ये स्केलर ट्रिपलेट हुआ। स्केलर ट्रिपलेट उसे कहेंगे कि भाई हमने ट्रिपलेट मतलब तीन वेक्टर का ऐसा प्रोडक्ट करा देना है कि वो जो रिजल्ट वैल्यू आए वो क्या हो जाए, स्केलर हो जाए। तो तुम ये सोचो क्या ये स्केलर वैल्यू है। तो अगर जैसे डॉट कराएंगे तो एक स्केलर वैल्यू मिल गया, और स्केलर को अगर हम एक वेक्टर में प्रोडक्ट करा दें, स्केलर प्रोडक्ट करा दें, तो कभी भी वो स्केलर मतलब वैल्यू नहीं दे पाएगा, वो क्या हो जाएगा वेक्टर। तो कुल मिला के वेक्टर, तो ये तो वेक्टर हो गया, ये क्या हो गया वेक्टर। इसका मतलब ये भी पॉसिबिलिटी हमारी क्या हो गई, फेल हो गई, है ना। अगर हम सेकेंड पॉसिबिलिटी की बात कर लें कि नहीं सर ए क्रॉस बी करा दें और क्रॉस सी करा दें, अब तो ये एक वेक्टर है और वेक्टर का फिर से वेक्टर से क्रॉस करा रहे हैं, तो भी ये क्या मुझे मिल जाएगा वेक्टर मुझे मिल जाएगा। मतलब ये भी प्रॉपर्टी अपने पास क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी, ये भी एक वेक्टर हो गया। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए स्केलर। ठीक है, तो अगर ये करा दिए चलो छोड़ो, अगर हम ए डॉट बी और क्रॉस सी करा दें तो भी मुझे क्या मिल जाएगा, एक वेक्टर ही मिलेगा, नहीं मिलेगा, मिल जाएगा। मतलब ये तीन कंडीशन जो हमारे पास पॉसिबिलिटी थी कराने की वो फेल हो चुकी। अब हमारे पास एक आता है कि अगर मैं ये करा के देखूं क्या कि ए ठीक है क्रॉस बी और डॉट क्या करा दिया जाए सी अगर करा दिया जाए, तो ए क्रॉस बी क्या है, एक वेक्टर आएगा और ये भी एक वेक्टर है, और दो वेक्टर का डॉट कराते हैं तो क्या आता है, इस स्केलर वैल्यू मिल जाती है। दैट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। अब यहां से स्केलर वैल्यू मुझे मिल गया। अब अगर ये स्केलर वैल्यू मुझे मिला, बात सबको समझ में आई नहीं आई, ये मुझे स्केलर वैल्यू मिल गया। ठीक है, तो ए क्रॉस बी यहाँ पे एक वेक्टर दे दिया, सी मेरे पास एक वेक्टर होगा, इनका डॉट करा देंगे तो क्या मुझे मिल गया, स्केलर वैल्यू मिल गया। बोलो कहानी क्लियर है, डाउट क्लियर है। अब मैं समझ पा रहा हूँ कि क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, तो ए डॉट बी क्रॉस सी ये भी तो लिखा जा सकता है, तो भी मुझे क्या मिल जाएगा, स्केलर प्रोडक्ट मिल जाएगा। अगर मैं लिख दूं कि यहाँ पे हो जाए, चलो ये दोनों तरीके से लिख सकते हैं, मतलब इससे भी लिख सकते हैं ये भी, और दोनों एक ही हैं। बात समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो। अगर हम दोनों वैल्यू की बात करेंगे तो दोनों वैल्यू क्या देंगे, सेम देंगे। तो मुझे लगता है कि यहां तक आपको समझ में आ गया। तो इसके लिए प्रोडक्ट में एक्चुअली में आपको क्या करना होगा कि ए और बी का क्रॉस कराना होगा, और जो थर्ड वेक्टर होगा उसके साथ इसको क्या करा दें, डॉट करा दें। तो इसे कहते हैं स्केलर ट्रिपलेट प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, स्केलर ट्रिपलेट प्रोडक्ट, एसटीपी। क्या बोलेंगे, एच टी पी, दैट इज स्केलर ट्रिपलेट प्रोडक्ट। ठीक है, अच्छा एच टी पी को में हम लोग एक बात और समझ पा रहे हैं एच टी पी में कि इसको नोटेशन क्या देंगे। तो इसको नोटेशन हम लोग दे देंगे सिंपली, क्या नोटेशन दे देंगे, ए बी सी, ना इनके बीच में कोई डॉट लगाएंगे और ना इनके बीच में कोई कॉमा लगाएंगे। ठीक है, तो ये इसका स्केलर प्रोडक्ट का नोटेशन हो गया, और इसको लिख देंगे क्या, ए क्रॉस बी डॉट सी, ये लिख देंगे। तो यही इसका कहलाएगा स्केलर ट्रिपलेट प्रोडक्ट। बोलो कहानी से क्वेश्चन में आ गई, नहीं आ गई, आ गई। तो ये हमारे पास हो गया, इसका कुछ सेंस समझिए, सेंस क्या कह रहा है। ए क्रॉस बी क्या कहता है, मान लीजिए हमारे पास ये ए हो गया, मान लीजिए हमारे पास ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और क्रॉस करा रहे हैं, तो इसका मतलब ए क्रॉस बी क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर वैल्यू देगा नहीं देगा, तो ये निकल के आएगा ए क्रॉस बी। और एक कोई वेक्टर सी हमारे पास है, एक कोई वेक्टर सी है, तो इसके साथ हम क्या करा रहे हैं, इसका स्केलर प्रोडक्ट करा रहे हैं। बोलो कहानी क्लियर है, डाउट है, क्लियर, ठीक है। तो ए क्रॉस बी हमारे पास क्या देता है वो भी आपको पता है, डॉट क्या देता है वो भी आपको पता है, सारी वैल्यू हमें पता है। अब आगे हम चलते हैं, ठीक है, बात को क्लियर करते हैं, यहां तक आगे बढ़े। यहां पे एक नोट पॉइंट लिखवा देते हैं, वैल्यू
ऑफ पैरा ले लो, पैरा ले लो, फाइव, बस ना रही है, तो वो हो जाएगा वी इज इक्वल टू स्केलर प्रोडक्ट ए बी सी, ये बन जाएगा, इसी को बोलते हैं। ठीक है, बात को समझ आ गया। अब जी यहाँ पे कुछ रिजल्टेंट प्रॉपर्टी आ जाती हैं, रिजल्ट एंड प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज रिजल्ट प्रॉपर्टीज, ठीक है, तो इसकी बात कर लेते हैं। तो पहला नंबर रिजल्टेंट प्रॉपर्टी में हम लोग क्या उठाएंगे, सपोज दैट हमने बोला कि अपने पास है ए क्रॉस बी डॉट सी है, ठीक है, अपने पास क्या है ए क्रॉस डॉट बी सी है ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा अगर हम लिख दें बी क्रॉस सी और डॉट ए लिख दें, ठीक है, और अगर हम लिख दें सी क्रॉस ए और डॉट बी लिख दें, तो इन सभी की वैल्यू सेम आएगी। याद रखना ए बी सी साइक्लिक फॉर्म में अगर है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, जी सेम आएगी, याद रखना। और साइकिल से अगर चेंज हो गया तो माइनस का अंतर आ जाएगा, है ना, ये बात को समझ आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ सर कि अगर ए है, ठीक है, बी है और सी है, ठीक है, इक्वल टू बी है सी है ए है, इज इक्वल टू, ठीक है, सी है ए है और बी, अगर इन तीनों में से कुछ भी लिखा जाए तो आपस में की वैल्यू क्या देती हैं, सेम देती हैं। बोलो पहले समझ में आया नहीं आया, आया। लेकिन सेकेंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या कहती है, सेकेंड प्रॉपर्टी हमारे पास कहती है अगर मान लो ए बी सी है और इसका ऑर्डर मैं लिख दूं बी बी और यहाँ पे लिख दूं ए और यहाँ पे लिख दूं सी, तो बताओ क्या ये सही होगा, नहीं, ये बोलो माइनस नहीं में होगा, मिलेगा क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे ऑर्डर उल्टा हो गया, मतलब देखो बी के बाद बी ए तो ए सी के बाद यहाँ पे सी आ गया, उल्टा हो गया ना, बी सी ए होना चाहिए, बी सी ए यहाँ उल्टा हो गया, बी से ए आ गया, जहां उल्टा हो जाए ऑर्डर तो वहां पे क्या आ जाएगा, माइनस सिंबल आ जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे हम ये भी तो लिख सकते हैं माइनस सी बी ए, अब यहाँ पे भी देखोगे तो उल्टा हुआ नहीं हुआ, सी के बाद बी आ गया, सी के बाद बी, यहाँ पे भी उल्टा हुआ, यहाँ पे भी क्या आ गया, माइनस आ गया, बोलो बात समझ आ रही है। यहाँ पे देखेंगे माइनस ए सी बी, यहाँ पे देखोगे सी के बाद ए तो ठीक है, लेकिन सी के बाद ए के ए बाद सी ए के बाद आएगा सॉरी ए के बाद सी, यहाँ सी के बाद ए आया तो ठीक है, लेकिन ए के बाद यहाँ सी आ गया तो इसलिए उल्टा हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो अगर ऑर्डर ऐसे चेंज हो जाता है तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाता है, जैसे कि ए क्रॉस बी नहीं लिखते हो तो ए क्रॉस बी को क्या लिख देते हैं, माइनस बी क्रॉस ए, उसी टाइप से ये होता है। बोलो कहानी क्लियर हुआ, बोलो कहानी क्लियर है ना, ठीक है। अब आते हैं थर्ड पोजिशन पे, थर्ड हमारे पास क्या हो जाएगा वो समझते हैं। थर्ड यहाँ पे प्रॉपर्टी हो सकती है कि अगर मैं आपसे ये कह दूं कि सर ए क्रॉस बी है और डॉट सी है, ए क्रॉस बी डॉट सी है इज इक्वल टू यहाँ पे ए है और यहाँ पे डॉट बी क्रॉस सी है, बोलो क्या अंतर होगा कोई वैल्यू में। अगर मैं इसको ये लिख दूं इसको ये लिख दूं कोई दिक्कत नहीं नहीं है, तो याद रखो ये दोनों वैल्यू क्या देंगे, सेम देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, बात क्लियर है, डाउट है, क्लियर ना। चलो फोर्थ नंबर में आप आ जाते हैं, और फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी में ये कह देते हैं कि किसी भी ट्रिपलेट में कोई दो वैल्यू सेम हो जाए, सपोज करो ये हो जाए या फिर ये हो जाए या फिर ये हो जाए या फिर, समझ पा रहे हो ना, समझ पा रहे हो, मतलब एनी टू, अगर हम यहां से ये बोल रहे हैं ये सारे जीरो होंगे, दैट इज हम ये कह रहे हैं इसका मतलब ये हुआ कि स्केलर ट्रिपलेट में अगर कोई दो एनी टू, एनी टू वेक्टर्स, ठीक है, एनी टू वेक्टर्स आर सेम, अगर कोई दो वेक्टर क्या हो जाए, सेम हो जाए, ठीक है, एनी टू वेक्टर्स आर सेम देन इट्स एस टी पी इज इक्वल टू जीरो, बोलो समझ में आया कि नहीं आया, पूरी नहीं बात समझ में आया कि ना सबको, बेटा नहीं तुम्हें समझ में आया, क्या बात कहा इसने, ठीक है।
नहीं दिख रहा है क्या आपको? तुम्हारे कलर विजन है। नहीं दिख रहा है, मतलब उतना जैसे वाला दिखते और सभी दिखते कर रहे फिफ्थ, हैं ऐसा। चलो फिफ्थ देख लो। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक कनी क्लियर है। बोलो भाई कनी क्लियर ना? चलो अब आगे आते हैं अपने पास। अगर मान लीजिए हमने ये कह दिया आपसे, ठीक है, क्या कह दिया कि हमारे पास कोई 3 मीटर थे, तो मान लिया लेमडा, लेमडा हमारे पास कोई रियल वैल्यू है ना बेटा, लेमडा यहाँ पे बी हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे सी हो जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, लेमडा आप बाहर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, और यहाँ पे हो जाएगा ए बी और सी, ये हो जाएगा। कहानी क्लियर है? 6 नंबर में प्रूव करके बताऊँ क्या मैं? आ जाएगा ना? ठीक है, 6 नंबर में हम लोग क्या कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर, याद रखना इंपॉर्टेंट है सब, ए प्लस बी, यहाँ पे सी है और यहाँ पे डी, इसको क्या लिख सकते हैं बताओ? ए प्लस बी इसको लिख सकते हैं ए ए सी डी और बी ए सी सी डी प्लस प्लस बी बी सी डी। सी वेरी गुड, ठीक है, बोलो यहाँ तक समझ में आया? आगे ना डी। अगला पॉइंट को चलते हैं। अगर हमने कह दिया को प्लानर मुझे दिखाना है, क्या दिखाना है? को प्लानर, तो ये नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन है, नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन, कंडीशन ठीक है, फॉर प्रॉब्लम थ्री नॉन जीरो, नॉन जीरो, नॉन कोलिनियर, कोलिनियर वेक्टर, वेक्टर्स ए बी सी, ये 3 वेक्टर अपने पास हैं, ठीक है, बी कोप्लैनर, को प्लानर, क्या कोप्लैनर, ठीक है, इसलिए केस क्या बन जाएगा? कोप्लैनर दैट इज, बस केस बन जाएगा कि ट्रिपलेट हो जाएगा ए बी सी इज इक्वल टू 0। बोलो समझ आया? तो उसका ट्रिपलेट क्या हो जाए? 0। अगर मैं ये कह रहा हूँ, ये फिर हम, इसका मतलब ये हम कह रहे हैं कि ए बी सी आर को प्लानर, इसका मतलब हम ये कह रहे हैं आपसे कि उसका ट्रिपलेट जो हो जाएगा, एस टी डी जो हो जाएगा, सॉरी एस टी पी, क्या हो जाएगा? एस टी पी 0 हो जाएगा। अगर एस टी पी 0 हुआ तो उसको हम क्या कह सकते हैं? को प्लानर कह सकते हैं। बोलो कहानी क्लियर है? डाउट है? क्लियर है? ठीक है, अब अपने पास से आता है नेक्स्ट पॉइंट, अपने पास आता है, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अपने पास क्या आएगा? बहुत बिजी इंसान भैया, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपने पास आती है इसके प्रोडक्ट की, कि मान लीजिए हमारे पास कोई ए वेक्टर है, ए वन आई प्लस बी वन जे प्लस सी वन के आ गया, ठीक है, बी वेक्टर हमारे पास है बी वन आई, सॉरी ए टू आई प्लस बी टू जे प्लस सी टू के हो गया, और सी वेक्टर हमारे पास है, ठीक है, ए थ्री आई प्लस बी थ्री जे प्लस सी थ्री के हो गया। बात सबको समझ में आ गई ना? तो इसका जो इसके लिए प्रोडक्ट बनेगा ए बी सी का, वो क्या बनेगा? तो डिटरमिनेंट ऑफ ए वन बी वन सी वन, ठीक है, ए टू बी टू सी टू, ए थ्री बी थ्री सी थ्री। तो वही बात हुई, आप चाहो तो मतलब इसको समझ सकते हो। कैसे समझा सकते हो? मैं तुम्हें समझाता हूँ। 0 क्यों हो जाएगा भाई? ये डेफिनेशन ऐसे सीधे लगा ना, ये ध्यान से देखो, दैट ये क्यों हुआ ऐसा हुआ? तो सिंस हम जानते हैं, अगर मैं इनका क्रॉस कराऊं, इनका मैं क्या करा दूं? क्रॉस, तो क्रॉस कराऊंगा तो क्या आएगा? तो इसका क्रॉस कराऊंगा तो ए क्रॉस बी, ठीक है, इज इक्वल टू आई जे के, ठीक है, ए टू, सॉरी बी क्रॉस सी करा लो, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या? बात तो वही हुई ना? तो बी क्रॉस सी करा दें, ए टू बी टू सी टू, ए थ्री बी थ्री सी थ्री, यहां तक समझ आ गया? अब अगर मैं इसका डॉट करा दूं, अब अगर मैं इसका डॉट करा दूं, यानी कि बी क्रॉस सी जो हमारे पास है, ठीक है,
इसका डॉट करा दो, किसके साथ? ए के साथ, किसके साथ? ए के साथ, तो करा दिया जाएगा तो क्या आएगा? तो अब ए के साथ डॉट जैसे कराएंगे तो हमारे पास बन जाएगा ये, तो देखो जहां आई जे के है वहां डॉट में क्या आ जाएगा? ए वन बी वन और सी वन आ जाएगा, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के साथ, यहाँ ए वन बी वन सी वन आ जाएगा तो ऑटोमेटिक बन जाएगा। बोलो समझ में नहीं आया? आ गया। तो ये ऐसे बना हुआ है, तो बहुत इजी वे में हम इसको समझ सकते हैं ऐसे। कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़े, ठीक है। इसका एक क्वेश्चन भी हम तुम्हें बताते हैं, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल ले लो कि अपने पास ए दिया गया है तुम्हारा 2i + 3j, ठीक है, प्लस थ्री जे और प्लस के, ये दिया गया, और बी इज इक्वल टू आपको दिया गया है, क्या दिया गया? i - 2j, ठीक है, और प्लस के दिया गया, और यहाँ से सी इज इक्वल टू आपको दिया गया है -3i, ओके, प्लस जे और प्लस 2k दिया गया है, राइट। और मुझे फाइंड करना है, फाइंड करना है ए बी सी। चलिए कैसे निकालेंगे? हम जानते हैं ए बी सी इज इक्वल टू, यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ, ठीक है, इसको समझते हैं, डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? इधर 2 हो जाएगा, इधर 3 हो जाएगा, इधर 1 हो जाएगा, इधर 1 हो जाएगा, इधर -2 हो जाएगा, इधर 1 हो जाएगा, इधर -3 हो जाएगा, इधर 1 हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर 2 लेंगे तो ये ढक लेंगे, ढक लेंगे तो ये ढक जाएगा, ढक जाएगा तो कितना आ जाएगा? तो 2 ले लिया हमने तो -4 और -1 हो जाएगा, ठीक है। -3 ले लिया हमने, ये 3 लेंगे तो ये ढक जाएगा, ढक जाएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या जाएगा? 2 + 3 हो जाएगा। और 1 ले लिया हमने, +1 ले लिया तो हमने 1 ले लिया, ढक जाएगा, ढक जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1 - 6 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ से क्या बन जाएगा? 10 - 10, तो माइनस का 10 आ जाएगा, और यहाँ से माइनस का 15 आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस का 5 आ जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के कितना आ जाएगा? माइनस के 30 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया? आ गया, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, सॉरी प्रॉपर्टी अभी और है, उसको भी देख लीजिए। जैसे कि नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है, आप लोग पेन कॉपी भी रेडी रखो क्योंकि अब धीरे धीरे नंबर आने वाला है ना, पेन कॉपी भी रेडी रखो। जैसे हमने बोल दिया ए क्रॉस बी प्लस सी, ठीक है, इक्वल टू, तो ये होता है ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ये तो सबको पता ही होगा, वैसे कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें ना। हो गया भाई, चलो फोकस करो। अच्छा मैं अब क्वेश्चन ले रहा हूँ, ध्यान देना, अब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा, ध्यान देना। जैसे हमने पहला क्वेश्चन ले लिया आपका, पहला क्वेश्चन, वैल्यू बताना जल्दी से, आई है, जे है, के है, ठीक है, वैल्यू बताओ क्या होगा? के स्क्वायर लिख दें, 1। तो इसको क्या लिखेंगे? आई क्रॉस जे, ठीक है, और डॉट के लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे ना, आई क्रॉस जे का मतलब क्या होता है? आई क्रॉस जे का मतलब के होता है, तो यहाँ पे के और डॉट के आ जाएगा, के डॉट के का मतलब कितना होता है? 1 होता है, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। बातें सब क्वेश्चन में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, इसको बताइए, आई जे के प्लस आई के जे, जरा इसका आंसर बताओ। 0 कितना आएगा? 0। आई क्रॉस देखो, आई जे के सीधे लिखा हुआ है तो 1 लिख देंगे, है ना, आई के जे, तो इसका मतलब उल्टा हो गया, उल्टा होने का मतलब क्या हुआ? -1 आ जाएगा, तो 1 + -1 क्या आ जाएगा? आंसर 0। जैसे कभी किया वैसे ही करना है, ठीक है, सब क्वेश्चन में आ रही ना। थर्ड नंबर क्वेश्चन चलो देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन में आप लोग ऐसा कर सकते हो कि हमें वैल्यूम निकालना है, फाइंड द वैल्यूम ऑफ, ठीक है, पैलो पाइप्ड ठीक है पैलो पाइप्ड क्लियर नहीं क्लियर हुज एड्स, हुज एड्स, एड्स जानते हो क्या होते हैं?
साइड लिख लो तुम, ज्यादा दिक्कत हो रही है तो। साइड्स आर क्या क्या है, सबसे पहले हम ए वेक्टर मान को नाम दे रहे हैं उसको। ए वेक्टर इज इक्वल टू लिखो माइनस थ्री आई प्लस सेवन जे और प्लस फाइव के, ये लिख लो ठीक है। पर यहाँ से आपका हो जाएगा बी इज इक्वल टू, बी इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस फाइव आई प्लस सेवन जे, प्लस सेवन जे माइनस थ्री के ठीक है। और सी इक्वल टू लिख लो, तीसरा वेक्टर आप पढ़ना लिख लो, सेवन आई प्लस सॉरी माइनस फाइव जे माइनस थ्री के, माइनस थ्री के ये अपने पास है। चलो वैल्यू बताओ क्या होगा, आंसर बताओ। बोलो बेटा, अतक तो लग जाना चाहिए। माइनस सिक्सटी गलत है। दो सौ सत्तर माइनस था, गलत गलत है, और निकालो। बारह दो सौ चौसठ माइनस का, माइनस दो सौ सही है। क्या आएगा, माइनस दो सौ चौंसठ आएगा, वी इक्वल टू माइनस दो सौ चौंसठ आएगा। अब क्योंकि वैल्यू में माइनस तो लिखा नहीं जाएगा, इसलिए सीधे किस में लिख देंगे, प्लस में लिख देंगे ठीक है। क्यूबिक यूनिट हुआ भाई साहब तुम्हारा, नहीं हुआ। चलो ध्यान दो, देखो वी इक्वल टू अपने पास हम जानते हैं, इसके लिए ट्रिपलेट ए बी सी होता है ना। इक्वल टू क्या बनेगा, यहां से समझिएगा, लिखो माइनस थ्री सेवन फाइव माइनस फाइव सेवन माइनस थ्री सेवन माइनस फाइव माइनस थ्री, ये हो गया ठीक है। अब यहीं से तुम्हें सेंस लगाना है। चलो समझते हैं क्या ये दे रहा है, इज इक्वल टू, हाँ हीरो ध्यान दो, तो माइनस थ्री अगर हमने लिया तो ये ढक जाएगा, ढक जाएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस ट्वेंटी वन और माइनस फिफ्टीन ठीक है। और अगर माइनस सेवन ले लिया मैंने तो क्या हो जाएगा, फिफ्टीन प्लस ट्वेंटी वन हो जाएगा ठीक है। और जैसे हमने प्लस का फाइव ले लिया तो क्या हो जाएगा, ट्वेंटी फाइव माइनस फोर्टी नाइन हो जाएगा। अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो पहला वाला कितना जाएगा, 108 माइनस 252 और माइनस 120 ए आया होगा। इसको अगर ऐड कर लेंगे तो क्या आएगा, माइनस 264। अब क्योंकि वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में होता है, इसलिए जो आपका रिजल्ट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, वी इक्वल टू क्या लिखोगे, प्लस का 264 क्यूबिक यूनिट। बोलो समझ आया कि नहीं आया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। कहानी क्लियर है बेटा, डाउट है क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन को चलते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करो। अगला क्वेश्चन है कि एज इक्वल टू माइनस टू आई ठीक है, माइनस टू जे बता देते हैं, माइनस टू जे प्लस फोर के लिखो पहले है ना। बी इक्वल टू आपका है माइनस टू आई प्लस फोर जे ठीक है, और माइनस टू के। और सी इज इक्वल टू इसमें है, सी इज इक्वल टू है फोर आई माइनस टू जे ठीक है, और माइनस टू के। ये कोप्लेनर दिखाने हैं, मतलब देखना है कोप्लेनर है या नहीं, आर कोप्लेनर लास्ट में माइनस टू के
है ना, है नहीं ये चेक करना है, माइनस टू के। हाँ तो चलो सॉल्व करो, सॉल्व अब बताओ आंसर होगा नहीं होगा। अब ये मत सोचना ये डिफिकल्ट है, ये सारे बहुत इजी हैं, अगर इतना नहीं कर पाए तो फिर आप क्या करोगे? कोपिना है क्यों? क्योंकि हमने देखा ट्रिपलेट देखा होगा, ए बी सी, ए बी सी की वैल्यू कितनी आ गई? जीरो आनी चाहिए, तो चेक कर लेते हैं जीरो आ रही नहीं आ रही है। माइनस टू हो गया, माइनस टू हो गया, फोर हो गया, माइनस टू हो गया, फोर हो गया, माइनस टू हो गया, फोर हो गया, माइनस टू हो गया, माइनस टू हो गया, इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा? जीरो आएगा। क्या आएगा? जीरो। जीरो आने का मतलब क्या हुआ? हमें जीरो आने का मतलब ये हुआ कि जो ए बी सी होंगे वो क्या होंगे? आर कोप्लानर होंगे। बोलो बात समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन देखो, चलो अगला क्वेश्चन लिखो। ए इज इक्वल टू टू आई माइनस जे, समझा देंगे, कोप्लानर दिया गया है, लैम्डा वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है। और बी इज इक्वल टू यहाँ पे है आई प्लस टू जे और माइनस थ्री के, ओके। एंड सी इज इक्वल टू आपका है, सी इज इक्वल टू है आपका थ्री आई प्लस लैम्डा जे और प्लस फाइव के, आर कोप्लैनर, कोप्लैनर देन फाइंड लैम्डा। अब मुझे लैम्डा निकालना है, चलो निकाल के दिखाओ। चलो सॉल्व करो। चार चार आए लैम्डा वैल्यू चार आई, माइनस चार माइनस चार, सब लोग माइनस बताओ। चार माइनस चार तुम्हारा बेटा, सूर्या तुम्हारा क्या? हाँ माइनस का फोर माइनस फोर। कैसे? डिटरमिनेंट जीरो कर देना, इक्वल टू है ना, हाँ तो इसका डिटरमिनेंट क्या बनेगा? टू माइनस वन वन, वन टू माइनस थ्री, थ्री लैम्डा एंड फाइव, इसको टू क्या कर देना? जीरो। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो लैम्डा वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस फोर। ये आपका आंसर सॉल्व कर लोगे ना? ठीक सॉल्व तो कर ही लोगे, ठीक है। यहाँ तक आई थिंक सबको क्लियर हो गया। चलिए अब आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब अगर मैं तुमसे ये कह दूं कि मेरे पास एक क्वेश्चन लिखो, 4 पॉइंट दिए जा रहे हैं, हाँ, ए इज इक्वल टू 6i-7j, ठीक है, ये दिया गया। एंड बी इज इक्वल टू 16i, ठीक है, -29j एंड -4k। क्लियर हुआ? सबको समझ आया ना भाई? ये दिख रहा है ना? एंड सी इज इक्वल टू, सी इज इक्वल टू हमारे पास है, चमक रहा है, 3j और -4 6k, ठीक है। और यहाँ से आपका डी इज इक्वल टू हो जाएगा 2i+5j और +10k। तुम्हें क्या देखना है? कोप्लेनरिटी देखना है। क्या देखना है? कोप्लेनरिटी, चेक करना होगा या नहीं होगा। चलो बताओ कैसे करोगे? इसके पोजीशन वेक्टर दिए गए हैं क्या भैया? नहीं, इसका ए भी निकाल। हाँ अभी निकालो। पोजीशन वेक्टर दिए होंगे हाँ देखो तभी ये पॉइंट, हाँ 4 पॉइंट के पोजीशन वेक्टर्स हैं। तो फिर इसमें ए बी बी सी और सी ए निकाल लें। मतलब हाँ अच्छा, ए बी बी सी सी ए निकाल लो। ए बी बी सी डी। सी डी बिल्कुल सही। देखो चाहे आप ए बी ए सी ए डी निकाल लें या फिर ए बी बी सी सी डी निकाल लें या फिर बी सी बी ए बी डी निकाल लें, बस समझे समझे, एक पैटर्न को फॉलो करके आप कोई भी चीज़ निकाल लें इस टाइप से, जो भी निकालेंगे इस टाइप से, इससे कुछ भी आप निकालेंगे, ठीक है। तो इनका जो हमारा ट्रिपलेट बनेगा, एस टी पी बनेगा, क्या बनेगा? एस टी पी बनेगा, ठीक वो
वो इक्वल टू क्या कर हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जैसे ए बी, ए सी और ए डी कॉमन ही लगाते हैं बीच में, ठीक है, वेक्टर हैं तो वेक्टर आप ऊपर एरो से जरूर लिख देना। बाकी समझ में नहीं आ रही है, ए बी, ए सी और ए डी, ये ट्रिपलेट क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तुम कह देंगे कोप्लैनर है। तो चेक करो, जल्दी चेक करो, चेक करो, चेक करो। सूर्य तुम्हारा जीरो नहीं आ रहा है। चलो तुम्हारा भाई हेमंत जीरो नहीं आएगा। चलो हम चेक कर लेते हैं। चलिए पहले बताइए ए बी क्या होगा। ए बी, ए बी क्या निकाला तुम लोगों ने? हाँ क्या बोलो, 10i माइनस 22j, ठीक है, और माइनस 4k, सभी क्या आया ए बी। चलो ए सी बताओ, ए सी बताओ कितना आया ए सी, माइनस 6i, ठीक है, और प्लस 10j, प्लस 10j और माइनस 6k। देखो सबका ए सी मैच हुआ नहीं हुआ, पहले ए सी निकालो। ए सी मतलब समझते हो, सी में ए को घटाओ, सी में ए को घटाओ तो एस निकलेगा। ए डी निकालो, ए डी, डी में ए को घटाओ, ये डी वाला है, डी में ए वाले को घटा दो तो निकाल दो। तो डी वाले में ए वाले को जब घटा देंगे तो माइनस 4i प्लस 12j और प्लस 10k है ना, ये ठीक है। ए बी, ए सी और ए डी सबका मैच हुआ, मना नहीं हुआ था, तुम्हारा नहीं हुआ था। कौन सा 29? हाथ में लगा ऐसे बता दो। अच्छा अच्छा है, ये 29 लिखा, 3J यहाँ पर 3i लिखा। चलो सोचे नहीं थे, 3i पढ़ा जे ही था तुमने, लेकिन वो करने से मैं गलती कर दी, मैं मानता हूँ ऐसा हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे इसका इसके लिए टिपलेट निकालना है, तो हम चलो इसके लिए टिपलेट निकाल लेते हैं इसका। तो अब तो समझ में आ गया होगा, जीरो आएगा भाई, क्या आएगा, जीरो आएगा। गलतियाँ समझ में आ गई भाई साहब। अच्छा सब लोग ए बी, ए सी और ए डी गलत निकाले हो, तो फिर आंसर कहाँ सही आ जाएगा? तो इसका टिपलेट क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। और एक कोप्लेनर है, ये क्या है, कोप्लेनर है। अच्छा इसमें क्या होता है, कभी कभी इसमें कोई अननोन वैल्यू दे देगा और बोलेगा कोप्लेनर है, तो बताओ लैम्डा वैल्यू क्या होगी। तो भी कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, कर सकते हो ना, ठीक है। अगले क्वेश्चन को लेकर चलता हूँ मैं तुम लोग, अब ऐसे क्वेश्चन में यार फंस जाओगे तो कैसे काम बनेगा। चलिए ए बी सी आर थ्री नॉन जीरो वेक्टर्स, नॉन जीरो वेक्टर्स हैं ए बी सी, क्या है, नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, ठीक है। एंड जो सी है मेरा वो यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर, ये सी जो है मेरा इज यूनिट वेक्टर, वेक्टर परपेंडिकुलर, इस टाइप क्वेश्चन हमने क्रॉस में पढ़ाया था तुम लोगों को, परपेंडिकुलर। अब क्योंकि ये क्रॉस का हिस्सा है इसीलिए इसमें भी आ गया है ना, परपेंडिकुलर बोथ ए एंड बी पढ़ाया था ना, ठीक है। इफ इफ द एंगल, एंगल बिटवीन, बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी कितना है, इज पाई बाय सिक्स, पाई बाय सिक्स है, देन देन आपको प्रूव करना है कि ट्रिपलेट ऑफ ए बी सी, स्क्वायर ऑफ ट्रिपलेट ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू 1/4, ठीक है, कर पाओगे, करो। करो करो, ट्राई करो, पहले नहीं लगे तो हम बता देंगे। आ गया, बताओ इसको खोलेंगे, एक और डी मोड़े मोड़ी होगा 560, उसका स्क्वायर करेंगे, इन दोनों का बस ऐसे ही करना है। देखो बड़ा सिंपल था, हमें टिपलेट दिया गया, टिपलेट तुम टिपलेट सिंपली ही टिपलेट यूज करेंगे, ठीक है। टिपलेट दिया गया, टिपलेट क्या दिया गया हमारे पास कि ए बी सी इज इक्वल टू होता है, क्या होता है भाई, तो इसका होता है मॉड ऑफ, क्या ले लेंगे, ए क्रॉस इसका स्क्वायर है ना,
इसको ले लेंगे मॉड ऑफ ए क्रॉस बी डॉट सी का स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत यहां तक किसी को? बोलो समझ में आया नहीं आया? नहीं आया आपने कब बताया था कि वो दोनों समानता हो जाएंगे जैसे ये उनको? अरे तो वो कहानी अलग थी, वहां पे कहानी सेम वही यहाँ पे भी है, लेकिन हम यहाँ पे बात करें टिपलेट से, टिपलेट से अकॉर्डिंग काम करेंगे ना। नहीं समझ आ रही क्या बात? तो टिपलेट में हम ऐसा लिख सकते हैं? नहीं पहले बताओ हाँ या ना बोलो, इतना लिख सकते हैं। अब ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है बताओ? ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है ये बताओ? मॉड ए मॉड बी साइन, और थीटा की वैल्यू के बीच में थीटा कितना है? पाई बाई सिक्स, तो साइन पाई बाई सिक्स हुआ। बोलो समझ में आया अब? और डॉट सी है तो सी, अब सी का मॉड लगा हुआ है तो क्या फर्क पड़ता है? सी का मॉड हो जाएगा यहाँ पर सीधे, कोई दिक्कत? नहीं लगा सकते क्या? नहीं वही मैं सोच रहा हूँ गलती हो गई। हाँ क्या बता रहे तुम? यूनिट वेक्टर है तो नहीं ऐसे वन नहीं हो जाएगा भाई, ऐसे कैसे वन हो जाएगा? पहले डॉट करो, डॉट करेंगे तो ए डॉट बी बराबर सूत्र क्या होता है उसका? हो जाएगा मॉड ए, तो मॉड ए क्रॉस बी हो जाएगा। बोलो भाई मॉड ए क्रॉस बी हो जाएगा ना, ए डॉट बी, तो ए मॉड ए इंटू मॉड बी कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू क्या बताओ क्या लेंगे? अब थीटा वैल्यू बताओ, ए क्रॉस बी और सी, ए क्रॉस बी और सी क्या है? क्या है भाई ए क्रॉस बी और सी? सी क्या है? इन दोनों के परपेंडिकुलर है ना, अलग अलग है ए एंड बी है। कॉमन सेंस लगाओ, अभी हमने कल ये लॉजिक बताया था तुम लोग को, फिर से मैं बता रहा हूँ। जैसे ए है ये बी है ये, तो अगर मेरे पास ये ए है मान लो ये बी है, तो इसके परपेंडिकुलर जो होता है वो ए क्रॉस बी होता है ना। तो इसका मतलब ये है कि इसके परपेंडिकुलर जितने होंगे वो आपस में क्या होंगे? पैरेलल होंगे। किसके पैरेलल होंगे? ए क्रॉस बी के। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, ए एंड बी के परपेंडिकुलर, तो ए एंड बी के परपेंडिकुलर तो आपका ए क्रॉस बी भी तो होता है ना, ए क्रॉस बी होता है, और ये भी एक परपेंडिकुलर है, तो सी भी मेरा क्या है इसके परपेंडिकुलर है। इसका मतलब सी इसके क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। तो अगर सी ए क्रॉस बी के पैरेलल है, समझो सी ए क्रॉस बी के क्या है? ए क्रॉस बी के पैरेलल है, तो इसका मतलब इनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा? जीरो। तो यहाँ पे कॉस जीरो आ जाएगा बेटा। बोलो समझ में आएगा नहीं आया? अब आ गया, स्क्वायर लगा है तो यहाँ से अपनी पानी क्या बनने वाली है? अब कॉस जीरो वाली वन हो जाती है। अब इसका स्क्वायर अलग कर लेंगे तो यहाँ से, अब देखो ए क्रॉस बी है तो इसको क्या लिख सकते हैं? मॉड ए। अब इसकी वैल्यू वन हो जाएगी यहाँ पे ना, तो हो जाएगा मॉड ए का स्क्वायर हो जाएगा, मॉड बी का स्क्वायर हो जाएगा, और साइन थीटा। ए क्रॉस बी होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। साइन थीटा वैल्यू क्या होती है? थीटा वैल्यू यहाँ पे क्या है? पाई बाई सिक्स, तो साइन पाई बाई सिक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? वन बाई टू। वन बाई टू का स्क्वायर करो वन बाई फोर। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया? मैं आया महाराज जी। जो पहले वाला मतलब कैसे ए, जैसे अगर ए बी साइन थीटा लिख दे तो वो कैसे गलत था? पहले वाला गलत इसलिए था कि वो हमारा स्केलर बन जाता वैल्यू पूरा, और यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट ये वेक्टर बन जाता, फिर वो दिक्कत देता था। बोलो समझ में आया कि नहीं आया तुम्हें? यहाँ तक कहानी क्लियर हुआ? हाँ तुम्हारा क्या डाउट था? वही मतलब हाँ बताओ डाउट, तुम्हारा डाउट बताओ। मतलब जैसे अगर ए बी साइन थीटा ये तो गलत क्यों था? हाँ बताया तो मैंने, डॉट प्रोडक्ट में है, पहले डॉट सॉल्व कर लो तब करो। अब पहले सॉल्व कर देंगे तो मैग्नीट्यूड बन जाएगा, और फिर एन कैप इसे हम लोग करा नहीं पाएंगे पहली बात तो, क्योंकि एन कैप मुझे डिफाइन नहीं है पूरी तरीके से। नहीं सुनने क्या डायरेक्शन डिफाइन नहीं, तो उसका डाउट करा नहीं पाएंगे। हालांकि करा सकते हो लेकिन करा नहीं पाएंगे, तो यहाँ पे ऐसे कराने में दिक्कत नहीं है क्या? दिक्कत नहीं है ना? अभी भी नहीं समझ, बताओ आगे बढ़े। वैसे करा सकते हो, वैसे भी करा सकते हो, लेकिन वहाँ एन कैप तुम्हें डिफाइन करना पड़ेगा, फिर एन कैप से सी का डॉट कराना पड़ेगा, फिर जो तुम्हें काम वही लास्ट में आएगा, क्योंकि एन कैप का मॉडुलस करोगे वो भी वन होगा, सी का मॉडुलस वो भी वन होगा, कॉस उसके बीच में एंगल कितना रहेगा? जीरो रहेगा। कहानी वही आएगी, ठीक है आगे बढ़ते हैं। समझ में ना आया तो पूछ लो फिर से। आ गया ठीक है। अब अपने पास आता है ए प्लस बी है ना, और अगला बी प्लस सी। इसको ना कर पाए ना बेटा तो हम धुआं धुआं बिगाड़ देंगे तुम लोग की, ठीक है? ये दुनिया का सबसे आसान प्रश्न तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, तो इसको प्रूफ करना है। हाँ बड़ा आसान। अभी एक प्रॉपर्टी मैंने आपको लिखवाई, देखो प्रॉपर्टी क्या लिखवाई। हाँ वही से प्रॉपर्टी क्या लिखवाई कि अगर ए प्लस बी और यहाँ पे सी और यहाँ पे डी हो, तो उसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी। आज बहुत कॉल आ रहे मेरे पास। हाँ प्रांशु, हाँ
शाम का जाना, ठीक है ठीक ठीक हाँ जी। तो देखते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ए, यहाँ से जाएगा सी, और यहाँ से हो जाएगा डी, कोई नहीं दिक्कत यहाँ तक, और प्लस, और यहाँ से हो जाएगा बी, और यहाँ पे हो जाएगा सी, और यहाँ पे हो जाएगा डी। इसके बाद जितने एडिशन है वो सारे ब्रेक हो जाएंगे, ऐसे कोई मेरा क्वेश्चन में नहीं आया। हाँ आ गया। तो इसी प्रकार से अगर मैं इसको ब्रेक करूँ, इसको ब्रेक करूँ, तो ये क्या हो जाएगा? अब मैं सोल्यूशन कर रहा हूँ, ठीक है, अब समझना ध्यान से। पहले इसको ब्रेक कर रहा हूँ, ए वाले ब्रेक कर रहा हूँ, ए तो इसका बी, इसका सी ले लो, ए बी सी, बात समझ आ रही है? हो गया। प्लस अब इसका ए, इसका सी, इसका ए ले लो, ए सी ए, रुक जाओ, एक एक ब्रेक करते हैं ना, पहले एक एक ब्रेक कर देते हैं। ए बी, पहले ए लिया, इसका बी लिया, तो इसका सी लिया, एक बार इसका ए ले लेंगे ना। यहां तक समझ आया नहीं आया? प्रॉपर्टी ये लग रही है, कहीं कहानी क्लियर हो रही है? प्लस फिर इसका ए लिया, अब इसका बी तो हो ही गया दोनों, है ना, तो अब सी ले लो, तो ए सी सी, ठीक है। प्लस अब इसका देखो ए, अब इसका सी लिया, अब इसका सी हो गया, अब ये ए वाला ले लो, तो यहां से ए सी ए, बात सबको समझ में आ गई? प्लस अगला बताओ, अब देखो यहां से ये बारी बारी हो चुके, नहीं हो चुके? बोलो, ए के साथ ये भी हो चुका, सी भी हो चुका है ना, दोनों हो चुके, अब बी वाला ले लो, तो यहां से क्या आएगा? बी, तो क्या बनेगा? बी बी सी, बी बी सी बन गया, ठीक है। अब बी सी सी, सॉरी बी बी ए ले लो, प्लस बी बी ए, यहां तक समझ में आया? प्लस अब बताओ, बी बी ए हो गया, अब आ जाओ बी सी सी, तो बी सी सी, प्लस देखो बी सी सी हो गया, और प्लस अगला कौन आएगा? बी सी ए आ जाएगा। बोलो यहां तक समझ में नहीं आया? आ गया। अब देखो यहां पे दो सेम है, जीरो, यहां पे दो सेम है, जीरो, यहाँ 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 पे दो सेम है, जीरो, ए बी सी बी सी ये दोनों वैल्यू सेम देती हैं, इसका मतलब 2ABC आ जाएगा। बोलो कहानी क्लियर हुआ है? डाउट क्लियर। इसको प्रूफ और भी तरीके से कर सकते थे, जैसे इसका इन दोनों क्रॉस और इसके साथ डॉट करा दे, वो भी एक तरीका है। कौन सा मजेदार तरीका लगा? ये तरीका मजेदार लगा, ठीक है। अगला चलते हैं, बात पकड़ में ना आई तो अभी तक फिर से बता दें, आ गई ना? चलो अगला देखो, इसी प्रकार से ये प्रॉपर्टी बताओ क्या होगी। ए माइनस बी, ठीक है, बी माइनस सी, एंड सी कॉमन ही लगाते हैं बीच में, इस पे देते हैं सी माइनस ए। अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा? जीरो जीरो आएगा, क्योंकि ये माइनस हो जाएगा तो जीरो आ जाएगा, कहानी के लिए ना, ठीक है। अगला प्रॉपर्टी बताना बेटा, ध्यान दो, है ना, ए बी सी, ए बी सी आर कोप्लैनर, क्या बोलेंगे? आर कोप्लैनर, को प्लैनर, ठीक है। तो ये बताओ इसका मान क्या होगा? ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए का जीरो मान क्या होगा? जीरो जीरो होगा। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू 2ABC होती है, और ABC की वैल्यू जीरो रख देंगे, जीरो आ जाएगा। अच्छा, इसका मान अगर जीरो होगा, इसका मान अगर जीरो होगा, तो इसका मतलब ये भी तो हम कह सकते हैं ना भाई साहब, कि ए प्लस बी, ठीक है, कॉमा बी प्लस सी, कॉमा सी प्लस ए आर को प्लैनर। बोलो कह सकते हैं नहीं कह सकते हैं? बोलो बेटा, कह सकते हैं ना, तभी वही हमारे पास कहानी निकल के आ जाती है। कोई दिक्कत किसी को तो बता दो, ठीक है। अगले क्वेश्चन कर सकते हैं, चलो मैं ये कह देता हूं मेरे पास, कि अगर ए माइनस बी सॉल्व किया मैंने, ठीक है, फिर बी माइनस सी सॉल्व किया हमने, और सी माइनस ए सॉल्व किया, तो आंसर क्या आ गया था? जीरो आ गया था। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए आर को प्लानर। बोलो समझ में आया? को प्लानर। तो देखो ये प्रॉपर्टी है, छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अचानक अगर पूछ ली जाती हैं तो परेशान
कर देते हैं, है ना। अभी पढ़ रहे हो, समझ में आ रही चीजें तो दिख रही हैं तो क्लियर हो रहा है, लेकिन अगर ये अचानक पूछ लिया है तो प्रॉब्लम दे सकती है, इसलिए इनको अच्छे से क्लियर रखो। बातें क्लियर है ना। अगर मैं आपसे बोलूं कि ए डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है, और क्रॉस ए प्लस टू बी प्लस थ्री सी, इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी। कर पाओगे नहीं? अब कर पाओगे तो बताओ, नहीं कर पाओगे तो बताओ, दोनों स्टेज में मुझे बताओ कि क्या होगा। कर लोगे तो करो, तुम्हारा बेटा ट्राई करो, तो ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो, जल्दी ट्राई करो। यहाँ ऐसा करो, तुम प्लस लगा लो, यहाँ पे क्या लगा दो, प्लस लगा दो। अब तो, अब बताओ कुछ ट्राई हो सकता है? अब तो अब हो जाएगा, तो ये प्लस लग गया। अब बताओ कहाँ पे प्लस किया? बोलो, यहाँ प्लस लगाने का मतलब ही नहीं हुआ। चलो मैं देखो, इधर देखो, करूँ? करो करो करो, ए बी सी आंसर आ गया इसका। कैसे हुआ? इसका पहले इसके साथ डॉट बनाया, करा लिया, इसके बाद इसके साथ क्रॉस करा दिया, हो गया, हो गया। हाँ। और तुम लोग बताओ देखो क्या हो गया तुम्हारा क्या हुआ? नहीं हुआ, चलो ध्यान दो। अच्छा, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। ए डॉट बी प्लस सी, इसका क्रॉस करो पहले, है ना। इसका क्रॉस कराएंगे तो क्या बनेगा बताओ, इसका क्रॉस कराएंगे तो क्या बी बनेगा? क्रॉस ए बन जाएगा, तो बी क्रॉस ए बनेगा, ठीक बी है, क्रॉस बी जीरो हो जाएगा प्लस इसका, सी क्रॉस ए बनेगा, हाँ ठीक है। सी क्रॉस ए में है, बी क्रॉस बी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। जीरो, बी क्रॉस तो इधर क्या बन सी, जाएगा? टू बाहर कर लो और सी क्रॉस बी बन जाएगा, है ना। इधर से कराओ बी क्रॉस सी, तो थ्री बाहर कर लो, ठीक है, और क्या हो जाएगा? बी क्रॉस सी हो जाएगा, और सी क्रॉस सी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। कहानी समझ में आ गया? अब ए के साथ डॉट करा दो, ए के साथ क्या करा दो? डॉट। तो क्या हो जाएगा? ए डॉट बी क्रॉस सी, बोलो समझ में आ रहा है, ठीक है। और प्लस इसके साथ क्या हो जाएगा? ए क्रॉस ए डॉट सी क्रॉस ए, कहानी क्लियर हो गई। और प्लस इसके साथ क्या होगा? टू बाहर कर लो, तो हो जाएगा ए डॉट, ए डॉट सी क्रॉस बी, कोई दिक्कत। और इधर हो जाएगा थ्री बाहर कर लो, तो क्या आ जाएगा बेटा? ए डॉट बी क्रॉस सी। बात समझ में आई नहीं आई? आ गया। तो हम जानते हैं ये जीरो हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे दो वेक्टर सेम हो गए, है ना। और कोई जीरो होगा? वो सबसे आगे वाले में सर बी क्रॉस ए था, बी क्रॉस ए था, अच्छा बी क्रॉस ए, तो भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ये दोनों तो जीरो हो गए। अब इस तरह आ जाओ, अब इसमें हम देखते हैं कि ए सी बी उल्टा हो गया, माइनस आ जाएगा, माइनस टू ए बी सी, ठीक है। और प्लस, अब इसमें देखोगे थ्री ए बी सी, ये तो सही है ना, तो थ्री ए बी सी, तो यहाँ से क्या बन जाएगा? ए बी सी, ये आपका आंसर। बोलो समझ में आएगा? डाउट है आगे ना, तो इस टाइप से क्वेश्चन करेंगे। ओके चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन ये है कि ए, ठीक है, यहाँ पे है बी प्लस सी और यहाँ पे है ए प्लस बी प्लस सी,
इसका मन बताओ क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन पता क्या क्या करो, सीधे क्या लिखोगे, ए डॉट, ठीक है, और यहां से हो जाएगा आपका बी प्लस सी क्रॉस, क्या करूंगा, ए प्लस बी प्लस सी। बोलो यहां तक समझ आया नहीं आया, आ गया टू ए बी सी, चलो चेक करते हैं। ठीक है, यहां पे हो जाएगा ए डॉट, अब देखिए जीरो आएगा, जीरो आएगा ना, हाँ देखो बी प्लस सी से इसमें करा रहे हैं क्रॉस, तो हम देखो इसके साथ कराएंगे, पहले ए के साथ करा देंगे ए, ठीक है, सॉरी पहले बी प्लस सी लिखें, बी प्लस सी क्रॉस ए, कोई दिक्कत यहाँ तक, और बी प्लस सी का इसके साथ क्रॉस कराएंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा भाई, सेम वेक्टर का क्रॉस क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, कहानी क्लियर हो गई यहाँ तक, है ना। अब ए के साथ क्रॉस करा देंगे इसका हम, तो हो जाएगा ए डॉट, और इधर हो जाएगा अपने पास बी क्रॉस ए, ठीक है, और प्लस सी क्रॉस ए। बोले यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, आया, और जैसे हम ए के अंदर कराएंगे डॉट, तो हो जाएगा ए डॉट बी क्रॉस ए प्लस, बाई डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी है ना, ए डॉट सी क्रॉस ए। बोले यहाँ तक कहानी क्लियर है, दोनों में ए, इसमें भी ए, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल टू जीरो हो जाएगी। तो बेटा इसका आंसर जीरो आएगा, कितना आएगा इसका आंसर, जीरो, इसका आंसर जीरो आएगा। आगे बढ़े, ए बी सी, ए बी सी आर, ए बी सी आर नॉन जीरो एंड, ठीक है, एंड नॉन कोप्लैनर वेक्टर्स, ठीक है। तो फिर मुझे काम करना है, जो काम करना है पहले पॉइंट में क्या काम करना है कि a माइनस टू बी, ठीक है, और प्लस थ्री सी, एंड यहाँ पे ले लेते हैं माइनस टू ए, ठीक है, प्लस थ्री बी और माइनस फोर सी, और यहाँ पे ले लेते हैं बेटा a माइनस थ्री बी और प्लस फाइव सी। चलो कोप्लैनर सिद्ध करके दिखाओ, कैसे सिद्ध करके दिखाओ, हाँ कोप्लैनर सिद्ध करके दिखाओ, ये बोल सकते हो कोप्लैनर चेक करके दिखाओ, कोप्लैनर चेक करना है, क्या चेक करना है, कोप्लैनर, एक ये क्वेश्चन है, इसी में एक क्वेश्चन और है, पहले इसको लिखो तब तक मैं एक और नोट कर रहा हूँ, ठीक है, टू ए माइनस बी प्लस थ्री सी, ए प्लस बी माइनस टू सी एंड ए प्लस बी माइनस थ्री सी, और इसको भी चेक करना है कोप्लैनर, पहला कोप्लैनर है, चलो दूसरा चेक करो, इसको भी कोप्लैनर चेक करना है, हाँ जल्दी करो, कोई दिक्कत नहीं है ना, आराम से करो, चाहे जल्दी करो लेकिन आंसर सही आना चाहिए। दूसरा वाला नहीं है, दूसरा वाला नहीं है, दूसरा वाला नहीं है ना, सही है, पहला वाला कोप्लैनर होगा, दूसरा वाला नॉन कोप्लैनर है, नॉन को प्लानर, कर पाओगे बेटा, मैं करके बताऊं, कर लोगे तुम लोग, कर लोगे ना, मैं करके बताऊं, कर लोगे, तो पहला को प्लानर है, दूसरा को प्लानर नहीं है, नॉन को प्लानर है। चलो एक क्वेश्चन बताइए मुझे, इफ ए लाइज इन द
इन द प्लेन, इन द प्लेन ऑफ वेक्टर्स बी एंड सी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. पहला ऑप्शन ए बी सी इज इक्वल टू जीरो. सेकेंड ऑप्शन ए बी सी इज इक्वल टू वन. थर्ड ऑप्शन ए बी सी इज इक्वल टू थ्री. एंड फोर्थ ऑप्शन, ठीक है, बी सी ए इज इक्वल टू वन. चलो बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा और क्यों. क्वेश्चन है कि इफ इफ ए लाइज इन द प्लेन ऑफ वेक्टर्स बी एंड सी, ठीक है, बी और सी का, बी और सी वेक्टर के दो प्लेन, ए जो है वो लाई करा इन द प्लेन ऑफ वेक्टर्स बी के एंड सी के, ठीक है, देन द विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. कौन सा करेक्ट होता है, ये पहला क्यों लाई कर रहा होता है क्या, वही प्लेन मानी. हाँ, कोप्लैनर हो जाएगा. तो अगर कोई कोप्लैनर हो जाता है तो उसका एस टी पी प्लेन में है ना, ये वाला. अरे कॉम क्या लिखा हुआ है देखो, प्लेन ऑफ, हाँ प्लेन ऑफ, इसमें क्या बात समझा ना. तो मतलब ए जो है उसी प्लेन पे लाई कर रहा है, मतलब कोप्लैनर हो गया. एक ही प्लेन पे इससे सारे पॉइंट वेक्टर हैं तो कोप्लैनर हो गया. कोप्लैनर में होता है तो उसका ट्रिपलेट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है. उसका ट्रिपलेट जीरो हो जाएगा. कहानी क्लियर है, डाउट है, क्लियर. अगला क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ, ठीक है, ए माइनस बी, फिर यहाँ पे आएगा बी माइनस सी, फिर आएगा सी माइनस ए, सी माइनस ए, ठीक है, वेयर ए का मैग्नीट्यूड है तुम्हारे पास वन, बी का मैग्नीट्यूड है तुम्हारे पास फाइव, एंड सी का मैग्नीट्यूड है तुम्हारे पास थ्री, ठीक है, देन इसकी वैल्यू तुम्हें बतानी है. इज जीरो, इज पहला ऑप्शन जीरो, दूसरा ऑप्शन वन, तीसरा ऑप्शन टू, एंड तीसरा ऑप्शन सिक्स है सिक्स, और चौथा ऑप्शन नॉन ऑफ दीज. हम जानते हैं इसकी वैल्यू जनरल जीरो होती है. तो ए बी सी कुछ भी हो जाए इसका आंसर क्या आने वाला है, जीरो ही आने वाला. तो ये भ्रमित करने के लिए दिया गया, काफी बच्चे इससे भ्रमित हो जाएंगे, है ना. लेकिन इसमें आंसर क्या आएगा, जीरो, क्योंकि प्रॉपर्टी हमने आपको सीधे बता देखी. बताओ समझ में आया नहीं आया, आया तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं. अगला क्वेश्चन, अगर इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे देखूं, देखो क्वेश्चन खाली कितना घुमा रहा है, ए माइनस बी, ठीक है, ए माइनस बी, और यहाँ पे है आपका डॉट, ठीक है, और यहाँ पे है आपका बी माइनस सी क्रॉस सी माइनस ए. अब बताओ इसका आंसर क्या होगा, इज कमी मतलब अभी है जीरो. लेकिन ऑप्शन क्या है, ऑप्शन समझ में आ रहा है, ऑप्शन सुनो ऑप्शन सुनो फिर आंसर दो. पहला ऑप्शन ए बी सी, दूसरा ऑप्शन टू ए बी सी, एंड तीसरा ऑप्शन, ठीक है, ए बी सी का होल स्क्वायर, एंड चौथा ऑप्शन नन. क्या जाएगा, नन. लेकिन अब तुम बताओ तुक्का मारने वाला इंसान किस में तुक्का मारना चाहेगा, तीनों में माना जाएगा, कभी नन में नहीं जाएगा वो, है ना, क्योंकि देखने में भी लग रहा है यार कुछ ना कुछ तो वैल्यू पक्का ही आएगी, लेकिन इसकी वैल्यू कुछ नहीं आएगी, मतलब जीरो आएगी. क्या जीरो, जीरो बोला क्या भाई, जीरो. तो बताओ समझ में नहीं आया. क्वेश्चन इजी अच्छा है, लेकिन ऐसे नहीं, देखने में अच्छा क्वेश्चन है, मैं ये नहीं कहूँगा कि डिफिकल्ट है या इजी है. क्वेश्चन अच्छा है, वो बात की बात है, जिसको समझ में आ गया वो उसके लिए तो इजी, वो नहीं समझ में आया तो डिफिकल्ट. अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, इसको समझो कि ए बी सी आर नॉन कोप्लैनर, नॉन कोप्लैनर वेक्टर्स,
ठीक है, चमक नॉन कोप्लानर वेक्टर्स थोड़े इधर खींचा गया बेटा, अब ब्राइटनेस भी थोड़ा कम हो गई है। अब दिखा ये ब्राइटनेस इतनी देर से कम कर लिया कर लिया, चार्जिंग नहीं चल रही थी। अब भैया दिखा तो यहाँ से भी दिख रहा है। ठीक है, अब तो खुश हो ना। ठीक है, ए बी सी आर नॉन कोप्लानर वेक्टर्स, ठीक है, वेक्टर्स देन देन ए डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है, अपॉन सी क्रॉस ए डॉट बी, ठीक है, प्लस प्लस बी डॉट ए क्रॉस सी अपॉन सी डॉट ए क्रॉस बी। चलो आंसर बोलो, आंसर बोलो इज इक्वल टू, हम ऑप्शन दे रहे हैं जीरो सेकेंड ऑप्शन, टू थर्ड ऑप्शन, वन फोर्थ ऑप्शन, नन। पहला ऑप्शन जीरो, पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन जीरो। एक मिनट भैया, हम 2 मिनट देते हैं तुम्हें। कैसे बात करें, चलो देखते हैं। देखो इसकी वैल्यू क्या है, तो पहले हम इसकी वैल्यू समझते हैं। इसकी वैल्यू क्या है, ए बी सी, तो इसकी वैल्यू है ए बी सी अपॉन, इसकी वैल्यू क्या है, देखो सी ए बी, सी ए बी मतलब क्रम तो ब्रेक हुआ नहीं, इसकी मतलब भी क्या है ए बी सी, बोलो कोई दिक्कत। ठीक है, प्लस इधर मेरे पास क्या है बी ए फिर सी, बी ए सी उल्टा हो गया तो माइनस आ जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बी सी, कोई दिक्कत तो बताओ मुझे। ठीक है, और यहाँ पे देखोगे क्या हो गया सी ए बी, मतलब क्रम ब्रेक हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ, इसका मतलब ए बी सी। अब ये वन हो गया और ये माइनस वन हो गया, तो वन माइनस वन इसको टू क्या आ जाएगा जीरो, तो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट। बोलो समझ में आ गया ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इफ 2a प्लस 4b, ठीक है, एंड c एंड d, ओके, इज इक्वल टू लैम्डा a c d प्लस म्यू, रटे हुए हो b c d, ठीक है, देन क्वेश्चन लिखा नहीं, आंसर बोल दिया, इसका मतलब रटे हुए हो। नहीं भैया हमने देखा ही। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पे, पहला दिया गया 6, दूसरा दिया गया -6, आर डी है, आर डी तुम लोग कहीं ना कहीं रटे हुए हो पूरी तरीके से, ऑब्जेक्टिव तो पक्का रटे हुए हो, इसलिए हम इसमें भरोसा तुम लोग का कम कर सकते हैं कि तुम लोग अपने आप से बता रहे हैं, जस्ट अभी बता रहे हो कॉल करके। अब बताओ कैसे, छाए चार दो छे कैसे, और इतना मारेंगे 4 2 6 निकल आएगा तुम्हारा, की वैल्यू निकालनी है। हाँ लैम्डा प्लस म्यू ना, हाँ हाँ तो छे, हाँ तो सही बोला ये छे। ए बी सी देखो यहाँ से क्या होगा, ए सी डी बनेगा, इधर से बनेगा बी सी डी, ए सी डी बी सी डी, कोएफिशिएंट बाहर हो जाते हैं, तो 4 2 6, तो देखते हैं आंसर। यू आर सो टैलेंटेड बेटा, आखिर स्टूडेंट तो मेरे ही हो ना। तो मुझे बताओ ऐसे कुछ समय कोई दिक्कत तो नहीं आएगी किसी को, अब मैं और ना बताऊंगा, बहुत हो गया ना, मुझे लगता है काफ़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गई, ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गई, तो आज के लिए इसमें इतना ही रखते हैं और अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर।